विगत दिनों संजय गांधी कॉलेज में हुई घटना को लेकर एनएसयूआई अध्यक्ष सिहावल ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, दी है जानकारी। सीधी जिले के एनएसयूआई अध्यक्ष सिहावल शिवाकर द्विवेदी के द्वारा विगत दिनों संजय गांधी कॉलेज सीधी में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सीधी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है तथा कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मांग की गई है। इस विषय में उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। मानवता को शर्मसार करने वाली एक संजय गांधी कॉलेज में घटना हुई है और इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं संजय गांधी कॉलेज में कई हो चुकी हैं। एक प्रोफेसर के साथ एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था एक छात्रा का, ब्लैकमेल करके कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में नंबर देने के बहाने। उसके बाद एक घटना संजय गांधी कॉलेज की नई बिल्डिंग में हुई थी। उसके बाद अभी जो 22 तारीख को घटना हुई है, तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इन्हीं प्रिंसिपल महोदय के रहते हुई हैं। इसलिए हमारी घोर आपत्ति है और प्रिंसिपल महोदय आज तक इतनी सारी घटनाएं उनके रहते हुए, लेकिन आज तक उनका कोई नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कोई बयान नहीं आया। इसलिए हमारी ये मांग है कि सर्वप्रथम प्रिंसिपल महोदय को यहाँ से बर्खास्त किया जाए या यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाए। वैसे भी इनकी 3 से 4 महीने में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले भी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि अभी कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने एक ज्ञापन में यह बिंदु सम्मिलित किया है कि संजय गांधी कॉलेज में एक पुराना भवन है, एक नया भवन है। हम लोगों ने दोनों भवनों में दो दो बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी की तैनाती की तत्काल मांग की है। 102 दिन में हो जानी चाहिए, नहीं हम लोग दोबारा आएंगे सर से मिलेंगे इसके लिए। सीसीटीवी कैमरे की हम लोगों ने बात किया है कि सीसीटीवी कैमरा लगा भी है, सीसीटीवी कैमरा, लेकिन वो चालू नहीं रहता। अगर प्रोफेसर लोगों का कोई चीज घूम गया तो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिल जाएगा, लेकिन छात्रों से संबंधित कोई चीजें हो गई तो फुटेज नहीं मिलेगा।